गाइस, चलिए शुरू करते हैं आपका पोएटिक डिवाइसेस का रिमेनिंग पार्ट। तो छह पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनमें राइम, ऑलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटिशन, सिमिली, मेटाफोर थे। अब जो बचे हुए हैं वो कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, बस यहाँ पर वही बताए जा रहे हैं आपको। तो जो बचे हुए हैं चलिए हमें शुरू कर लेते हैं। तो सेवंथ नंबर पर आता है आपका एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब होता है, जिसे आप नाम से पता लगा सकते हैं, एजोनेंस का मतलब होता है वोवेल्स का रिपीटिंग साउंड। जिन वर्ड्स में आपको ना वोवेल्स का साउंड रिपीट होता हुआ मिले वो होते हैं आपके एजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड वॉटर टू। तो अब देखिए, इन वर्ड्स में सिर्फ आपको इतना देखना है वोवेल का साउंड किस किस वर्ड में आ रहा है। तो पहले उठा लेते हैं यू, ऊ का साउंड आ रहा है, इट मीन्स दैट यू का साउंड, यू मीन्स वोवेल, होप ओ ओ ओ ओ का साउंड, होप में ओ का साउंड, यानी ये क्या हुआ वोवेल। नेक्स्ट है आपका टू, टू में ऊ का साउंड यानी ओ का साउंड, फिर से ये क्या हुआ एक वोवेल। तो जहां जहां आपको वोवेल्स का साउंड मिलता है वही आपके क्या कहलाते हैं, एसोनेंस पोएटिक डिवाइसेस। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। तो कॉन्सोनेंस का मतलब कॉन्सोनेंट का रिपीटिंग साउंड, जहां आपको कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो रिपीटिंग साउंड में मिले। एग्जाम्पल जैसे उठा लिए, स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ हिज फो, स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ हिज फो। अब पहला वर्ड है स्टिल, तो यहां से एस हो गया, ये क्या है कॉन्सोनेंट है। ट्रेड्स टी, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। इसके बाद द टी, दा में टी, ये भी कॉन्सोनेंट है। शेडो एस, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। तो ये आपका क्या हुआ कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टॉर्म परस्यूड अस टिल डेथ, द स्टॉर्म परस्यूड अस टिल डेथ। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना। तो द टी, स्टॉर्म एस, परस्यू पी, ये तीनों क्या आ रहे हैं, ये भी कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका कॉन्सोनेंस। होप कॉन्सोनेंस एसोनेंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट है आपका ओनीमिटोपिया। अब इसको ओनो नहीं बोलेंगे, ओनीमिटोपिया बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है ये बनाने वाले को पता है। तो ये है ओनो, ओनीमिटोपिया, ओनीमिटोपिया, ओनीमिटोपिया का मतलब होता है साहब जहां पर आपको किसी का ओरिजिनल साउंड मिलता है, ओरिजिनल साउंड। फॉर एग्जाम्पल जब आपका कुत्ता भौंकता है तो भौंकों की आवाज आती है, तो दैट बार्किंग। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स, तो डॉग बार्क्स, बार्क ही करता है डॉग, तो जो बार्क है ये ओरिजिनल साउंड है और उसमें डॉग भी मेंशन है, तो ये आपका क्या हुआ ओनीमिटोपिया। एग्जाम्पल और लिखे हैं, द ब्रेकिंग वॉल्स क्लैटर्ड, दीवारें टूटी तो आवाज आई, चटकने की आवाज आई, दैट क्लैटर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई वॉल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे ओनीमिटोपिया। नेक्स्ट द टाइगर्स प्रेस्ड ऑन द स्क्रीन मेड अ लाउड रोर, द टाइगर्स प्रेस्ड ऑन द स्क्रीन विद हाई रोर, यानी जो शेर था, जो चीता था, वो बहुत तेज दहाड़ के साथ स्क्रीन पर आ गया, तो शेर तो दहाड़ता ही है, तो यानी यहाँ पर ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल साउंड है, तो इस ओरिजिनल साउंड को, रोर को हम क्या बोलेंगे अब ओनीमिटोपिया। नेक्स्ट द फ्रॉग क्रोक्ड इन द बॉग, मेंढक दलदल में क्रोक क्रोक करता रहा, तो ये जो क्रोक है ये फ्रॉग का ओरिजिनल साउंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ओनीमिटोपिया। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीमोरन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है पर इतना होगा नहीं। ऑक्सीमोरन, तो मोरन का मतलब होता है शैतान और ऑक्सी का मतलब अच्छा, तो अच्छा शैतान, क्या ये पॉसिबल है कि कोई शैतान अच्छा हो। अब मूवीज में जो दिखाते हो वो अलग बात है। तो एग्जाम्पल क्या है अब आपका, जैसे मैंने बोला ट्रस्ट मी आई एम अ लायर, बहुत टी शर्ट भी आई है इसके नाम की, तो ट्रस्ट मी आई एम अ लायर, तो ऐसा हो सकता है क्या, आप मेरा भरोसा करो मैं सच बोलता हूं, ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोलू ट्रस्ट मी आई एम अ लायर, मेरा भरोसा करो मैं झूठा हूं, कोई मानेगा इस चीज को। ट्रस्ट प्लस लायर, ट्रस्ट प्लस लायर, आप बिलीव करेंगे, नहीं कर सकते, यानी टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है यहां पर, दो ऑपोजिट वर्ड्स जो कहीं से कहीं तक नेवर मैच ईच अदर, ये वर्ड्स कभी एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड ब्राउलिंग लव, एग्जाम्पल माई वाइफ हैज ब्राउलिंग लव विद मी,
मेरी वाइफ का मुझसे लड़ाई झगड़े वाला प्यार है। अब लड़ाई झगड़ा और प्यार ये पॉसिबल नहीं है। कहने को अच्छा लगता है कि हम उसे प्यार करते हैं इसीलिए हमारी लड़ाई होती है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ब्रावलिंग का मतलब वो वाली फाइट नहीं है, ब्रावलिंग का मतलब है एक ऐसी फाइट जहां आप किसी की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ब्रावलिंग और लव अब ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या बना हुआ आपका? ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट है आपका सोक्रेट्स हैड टेकन द स्वीट पॉइजन। सोक्रेट्स हैड द स्वीट पॉइजन। भाई अब बात हो रही है पॉइजन की, तो क्या पॉइजन स्वीट हो सकता है? कभी नहीं। तो ये क्या होंगी दोनों, स्वीट और पॉइजन कॉन्ट्राडिक्टी टर्म्स, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। और लास्ट है साहब आपका एनाफोरा। तो ये जो है आपका एनाफोरा, एनाफोरा में होता क्या है कि जैसे ऑलिट्रेशन में था तो ऑलिट्रेशन में वर्ड्स रिपीट होते थे लेकिन वो वर्ड्स कहीं भी रिपीट हो जाते थे, एनाफोरा में ऐसा नहीं है। एनाफोरा में वर्ड्स तो रिपीट होते हैं, या तो वो लाइन की स्टार्टिंग में होंगे, पहली दूसरी तीसरी लाइन की स्टार्टिंग में, या वो एंडिंग में होंगे। यानी वर्ड्स रिपीट होंगे लेकिन वो या तो बिल्कुल हर लाइन की स्टार्टिंग में होंगे या एंड में होंगे। जैसे फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर फार रिपीट हो रहा है तो फार यहाँ पर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये आपका होगा ऑलिट्रेशन। यहां तक सिर्फ ये ऑलिट्रेशन है, लेकिन अगर ये दूसरी लाइन भी एड हो जाए तो फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। अब आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट ने आपसे पूछा कि बताइए पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो अब यहाँ पर ऑलिट्रेशन नहीं है। अगर मैं इसको गायब कर देता हूँ तो अभी ऑलिट्रेशन है, फार फार ये ऑलिट्रेशन है, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन ऐड हुई, अब ये दो लाइन ऐड हुई तो दोनों में जो पहला वर्ड है, दोनों लाइंस का पहला वर्ड फॉर फॉर है, अभी क्या बना आपका एनाफोरा। तो गाइज ये आपके 11-12 कुछ थे पोएटिक डिवाइसेस जो आज हमने पढ़ लिए। अब उम्मीद करता हूँ शायद आपके लिए काफी यूजफुल होगा ये। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, कुछ नए कंटेंट और अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन एंजॉय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।